तीसरा कि आज का जो कार्यक्रम रखा है माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन, और जन्मदिन भी एमसीडी के अंदर, और एमसीडी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। ये एक महत्व है कि सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन इतने दिनों के बाद, लगभग 187 ईयर के बाद एमसीडी में मनाना पड़ रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के कुछ नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो मैं दो तीन बात में अपनी बात ये स्पष्ट करूंगा कि एमसीडी से, एमसीडी में मनाया जा रहा है, एमसीडी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, यानी कि डिपार्टमेंटों की मदर है एमसीडी, कितने ही डिपार्टमेंट इसके अंदर है, उसके अंदर मना रहे हैं। तो मैं इसमें एक दो बात रखूंगा कि एमसीडी का ही एक कर्मचारी किसी ज्योतिषी से हाथ दिखवा रहा था, उसने कहा देखना जरा मेरे भाग में कुछ है, उसने कहा क्या करते हो, कह रहा एमसीडी में सर्विस करता हूं, कह रहा कितने साल हो गए, कह रहा 15 साल हो गए परमानेंट नहीं हुआ हूं एमसीडी का। 15 साल 20 साल तक जिस विभाग में लोग टेम्परेरी रहते हो, अस्थाई रहते हो, उसमें हो, तो उसने कहा आपका जो भविष्य है वो गुलाम और गरीबी का होगा। तो उसने कहा क्या 10-15 साल के बाद मैं सुखी संपन्न आजाद और अमीर हो जाऊंगा, तो उसने कहा नहीं, फिर तुम्हें गुलामी और गरीबी की आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें गुलामी गुलामी नहीं लगेगी और गरीबी गरीबी नहीं लगेगी, ऐसी हालत हो जाएगी। जैसे ही वो आता है तो कोई बाबा साहब को मानने वाला या मूवमेंट को मानने वाले से मिलता है, कहां गए थे कि हाथ दिखाने गया था, अच्छा भविष्य जानना चाहते हो, हां, अरे जो भविष्य जानना चाहते हो तो वर्तमान को जान लो, जो भविष्य बनाना चाहते हैं तो वर्तमान को बना लो, और वर्तमान को बनाओगे तो आपका भविष्य ऑटोमेटिक बन जाएगा वर्तमान। और आज वर्तमान में देश को आजाद हुए 47 में आजाद हुआ तो करीब करीब 71 ईयर हो गया, 71 साल बाद संविधान लागू हो गया, 68 ईयर बाद, मतलब एमसीडी के दिल्ली में हमारी ये हालत है, वहां पर ये कार्यक्रम जो मनाया जा रहा है, तो एक इसका विशेष मैसेज, एक संदेश एमसीडी के कर्मचारियों के लिए होना चाहिए। अगर एमसीडी के कर्मचारी 25% भी, मैं 50 नहीं कह रहा, 25% भी फूले और बाबा साहब की विचारधारा को समझ गए, तो दिल्ली के एमसीडी छोड़ो बाकी सारे विभागों की भी समस्या का समाधान हो सकता है, हो सकता है। तो आज हमारी इतने दिनों के बाद भी हालत है कच्चे, तो उसने कहा आज कब, जब सावित्रीबाई फूले के समय को हम गिने और आज देखे, आज हमारे पास क्या क्या है, तथागत बुद्ध का ज्ञान रिटन में उपलब्ध है और उसके लाखों और करोड़ों अनुयायी उपलब्ध है, संतों का ज्ञान उपलब्ध है रिटन में, लाखों करोड़ों अनुयायी उपलब्ध हैं, फूले साहब साहू जी महाराज का ज्ञान उपलब्ध है, लाखों करोड़ों अनुयायी उपलब्ध हैं, बाबा साहब का ज्ञान रिटन में उपलब्ध है, मान्यवर काशीराम जी का ज्ञान रिटन में उपलब्ध है, लाखों और करोड़ों अनुयायी है, और आगे आ जाओ, संविधान हमारे फेवर में उपलब्ध है, लोकतंत्र हमारे पास है, वोट हमारी ज्यादा है, शिक्षित लोग भी हमारे हैं, एमएलए भी हमारे पूरे हैं, एमपी भी हमारे पूरे हैं, और मंत्री भी हमारे पूरे हैं, फिर हमारी हालत खराब क्यों है। उस समय जब हालत ये कुछ भी नहीं था, उस समय महापुरुषों ने लड़ाई लड़कर हमारे को सारे अधिकार दिला दिए, आज हमारी ये हालत है, सब कुछ होते हुए कहीं भी कुछ नहीं है, पूरे देश में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है।
मगर उस डर को चुनौती अगर कोई भारत में दे सकता है तो ये शेड्यूल कास्ट की जातियां ही उसको चुनौती दे सकती हैं और कोई दे नहीं सकता है। उन्हीं के बीच में ये जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है और कहां मनाया जा रहा है, एमसीडी और किसमें, दिल्ली में, और दिल्ली देश की राजधानी और राजधानी में दो सरकारें, एक दिल्ली की सरकार, एक केंद्र की सरकार और बीच में एमसीडी, ऐसा मैच हो रहा है। एक सरकार वाले तो बेचारे बाहर ही बैठे हैं, जैसे क्रिकेट से बाहर ही है कांग्रेस वाले, वो तो देख रहे हैं कि कब स्टैंप आउट हो तो इनकी कुछ कमियां निकालें। वहां पर ये हालत है, तो ऐसी हालत में हम क्या मना रहे हैं आज, किनको याद कर रहे हैं, माता सावित्रीबाई फूले को याद कर रहे हैं। क्यों? कि उनकी शिक्षा को हमने समझा नहीं, आज उनकी शिक्षा पर समझने की, विचार करने की जरूरत है, इसलिए ये कार्यक्रम एमसीडी के बीच में साथियों रखा है। उन्होंने दो तरह की शिक्षा होती है, आपको जानकारी होगी, एक तो स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, एक समाज की शिक्षा, समाज को शिक्षा। सावित्रीबाई फूले ने, माता ने दोनों शिक्षा दी है, अरे स्कूल की शिक्षा भी दी है और समाज की शिक्षा भी दी है। समाज की शिक्षा में बताया है कि ब्राह्मण कलम कसाई है, उसने कत्ले आम तुम्हारा, तुम्हारे अधिकारों का, तुम्हारे अवसरों का किसी तलवार से नहीं किया है, कलम से किया है। उन्होंने कहा कलम कसाई है। और उनकी दूसरी बात वो कहती है कि विद्या के अभाव में मति बुद्धि, बुद्धि का मतलब सही क्या है गलत क्या है कोई डिसीजन नहीं जान सकते, विद्या के अभाव में, विद्या छीन ली, विद्या नहीं थी तो मति गई, और मति के अभाव में नीति गई, यानी कि प्लानिंग गई, योजना गई, और नीति के अभाव में गति गई, आपका पराक्रम, परिश्रम, प्रयास गया, और मति के अभाव में आपकी गति और वित गया। वो कह रहे हैं कि सारा सत्यानाश एक विद्या के कारण हुआ है। तो वो जो दो शिक्षा दे रही है, स्कूल की शिक्षा और सामाजिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा में बता रही है, एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, वो क्या बता रही है हमें, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यानी कि अपनी पहचान को समझो। आप जो जाति वर्ण वाली पहचान ब्राह्मणों ने दी है, ये आपकी पहचान नहीं है, इसको मानोगे तो बटे रहोगे, टुकड़ों में रहोगे, ब्राह्मणों की जेल में रहोगे। आपकी पहचान जाति वाली नहीं है, आप यहाँ के मूल निवासी हो। माता सावित्रीबाई दूसरी सामाजिक जो शिक्षा दे रही है वो कह रही है हम मूल निवासी हैं, कि यानी अपनी पहचान होनी चाहिए हमें। हम वाल्मीकि, नाई, तेली, धोबी, कुमार, मांग, मदन, जाट, अहीर, गुजर नहीं है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। वो पहचान बता रही है, ये हमारी पहचान है। फिर कह रही है अपनी संस्कृति, अपना संस्कार, अपने रीति रिवाज, जो मूल निवासी संस्कृति है, जो तथागत बुद्ध ने स्थापित की, उससे पहले भी ये संस्कृति थी, तथागत ने स्थापित की, इसलिए ये बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुई है, बुद्धा के नाम से जानी जाती है। अदरवाइज ये हमारी मूल निवासियों की समानता की, भाईचारा की, एकता की, बंधुत्व की संस्कृति है। वो कहती कि अपनी पहचान को जानो, अपने संस्कार को जानो। ये जो तीज त्योहार तुम मना रहे हो, ये तुम्हारे को अंधविश्वास और पाखंड में, भ्रम में डालने वाले हैं। अपनी संस्कृति को मानो, अपने संविधान को मानो और अपना समाज बनाओ। समाज आपका बनेगा तो सारी समस्याओं का साथियों निदान हो सकता है। एमसीडी में आज के कार्यक्रम की मैं बधाई देते हुए यही निवेदन करूंगा, अगर एमसीडी के 25% लोग भी, मात्र 25% लोग, अगर फूले और अंबेडकर की विचारधारा जो यहाँ शुरू हुई है चर्चा करनी, एमसीडी एक ऐसा विभाग है कि जितने विभाग इसके अंदर है
दोनों सरकारों का काम तमाम हो जाएगा, चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट की, अगर एमसीडी के लोग औपचारिक रूप से तैयार हो गए और उस काम में ये जो आयोजक महोदय लगे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि ये इस अच्छे काम में लगे हैं। इन्हीं बातों के साथ आपने मेरे को इधर अवसर दिया बोलने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।